क्या कांग्रेस अपने तुष्टिकरण की छवि को सुधारने का प्रयास कर रही है? लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है। उन्होंने तुष्टिकरण के आरोप कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगाते रहे हैं। इस मुद्दे को जनता के बीच में जोर शोर से भाजपा उठाती रही है। अब जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म करते हुए 25 में से 11 सीटें अपने नाम कर दी, तो जीत का रिव्यू करते हुए कांग्रेस ने पाया कि बहुसंख्यक के वोट के बिना कांग्रेस के लिए जीत की राह मुश्किल नजर आती है। ऐसे में क्या कांग्रेस पर जो तुष्टिकरण के आरोप लगाए गए हैं, क्या उनकी जनता के बीच में जो छवि गढ़ी गई है उसे अब वह ऊपर उठना चाहती है और छवि को सुधारना चाहती है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हाल ही में 21 जून को जोधपुर के सूरसागर के व्यापारी मोहल्ले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तनाव की स्थिति, दो पक्षों आमने सामने हो गए और दोनों के बीच में जमकर पथराव हुआ, यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर भी जमकर पथराव हुआ। इस पूरे मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। मामला तब भड़का जब ईदगाह की दीवार में एक दरवाजे निकालने को लेकर विवाद पैदा हो गया। इसमें दो पक्ष आमने सामने हो गए, हालांकि जो पुलिस ने समझाइश करते हुए दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था, लेकिन इसके बाद में वापिस विवाद उत्पन्न हो गया और जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के विधायक, जो सूरसागर विधायक है, जोधपुर शहर के विधायक है, लूनी के विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर है, इस पूरे मामले को लेकर मौके पर भी पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान भी लिया। इसके लिए रिपोर्ट भी तैयार की गई, शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जनता के बीच में भी वे नदारद दिखाई दिए। इस पूरे मामले को लेकर किसी भी दिग्गज नेता का कोई सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का संदेश नहीं देखा गया। यहाँ तक कि पूर्व विधायक या मौजूदा विधायकों की बात करें तो वे भी जनता के बीच में नजर नहीं आए, किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर कोई मैसेज साझा नहीं किया गया। और साथ में जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर भी माना जाता है और सदापुरा विधानसभा क्षेत्र से अशोक गहलोत खुद भी विधायक है। इस पूरे मामले को करीब 4 दिन बीतने के बाद में भी अशोक गहलोत ने किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर कोई संदेश जोधपुर के नागरिकों के लिए नहीं शेयर किया तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब अशोक गहलोत की कुशलक्षेम पूछने उनके पास पहुंचे तो उन्होंने एक फोटो साझा करते हुए जरूर दो लाइन लिखते हुए यह कहा कि सूरसागर में जो तनाव हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता हुई है। इसके अलावा किसी प्रकार का संदेश यहाँ के लोगों के लिए नहीं दिया गया। ऐसे में ऐसा मानना चाह रहा है कि क्या कांग्रेस इस पूरे मामले से बचना चाह रही है, क्या तुष्टिकरण की राजनीति से वे ऊपर उठना चाह रही है? जोधपुर के लिए तनाव की स्थिति बनना कोई नई बात नहीं है। 2 वर्ष पूर्व जालौर गेट की हिंसा सबके जहन में है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए थे, जमकर पथराव भी हुआ था। ईद की नमाज के बाद में विवाद उत्पन्न हुआ तो विवाद इतना बड़ा कि तंग गलियों में और जोधपुर शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और जमकर पथराव हुआ। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और जमकर इस पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत एक्टिव हुए। उन्होंने जोधपुर जनता को शांति बनाए रखने के लिए अपील की और इस पूरे मामले को लेकर शांति कायम करने के लिए पूरे प्रयास किए गए। उस समय वे सत्ता में थे इसलिए यह बनता भी था, लेकिन अब जब वे खुद भी सदापुरा से विधायक है, पूर्व में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुप्पी अब सबको चुप रही है और इसके राजनीतिक समीकरण भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब बहुसंख्यक को रिझाने के लिए कांग्रेस इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए है और इस पूरे मामले में अपने तुष्टिकरण की छवि को कांग्रेस सुधारना चाहती है, इसलिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेता हो, विधायक हो या शीर्ष नेतृत्व के कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का इस पूरे मामले में संदेश नहीं देखा गया और जनता के बीच में भी वे नदारद नजर आए। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।